दोस्तों नमस्कार, कानूनी बात बताने वाले मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय, क्या कोई विक्रेता बिक्री रद्द कर सकता है, और यदि वह ऐसा करता है तो उसका परिणाम क्या होता है। अब पहली बात है कि भाई करार तो किया है, अनुबंधन के उल्लंघन यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में विक्रेता निश्चित रूप से बिक्री रद्द कर सकता है। कब रद्द कर सकता है यह पहले जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई खरीदीदार खरीद समझौते पे शर्तों की पूरी नहीं कर रहे हैं, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट क्या है भाई, जैसे मान लो 1 CR में हम लोग ने से एग्रीमेंट पर सेल किया 20 लाख दे दिया, 80 का क्या, वो 80 दे ही नहीं रहा है। अब आप उसके पीछे भाई कब दे रहे हैं, वो बैंक लोन हो रहा है, वो बैंक लोन कब हो रहा है, वो 3 महीने का अवधि दिया था, 3 महीने तो गए, 4th महीना गया, 5वां महीना गया, कब दोगे। तो जब आप ग्रेस पीरियड यानी अनुग्रह अवधि बीत गया हो, ऐसे समय में खरीदीदार इन सीमाओं से अगर बाहर है तो आप विक्रेता कानूनी तौर पर बिक्री रद्द करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। पर अभी दूसरी बात देखेंगे, अगर मान लो खरीदीदार अगर सब शर्त पूरी अच्छी तरह कर रहे हैं, यानी विक्रेता संपत्ति बेचना चाहता है और विक्रेता की संपत्ति बेचने के लिए जब करार किया उसके बाद वो इनकार करना है, वो इनकार कर रहे हैं, अब मैं तो जो पैसा था दिया, टाइम भी गई नहीं है, और बीच में इसका मूड चला गया, नहीं मुझे बेचने तुमको, तो ऐसे समय में क्रेता यानी परचेसर विक्रेता सेलर को भुगतान की राशि रिफंड के लिए मांग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, स्टैंप ड्यूटी जो भरा है कैंसलेशन करो, स्टैंप ड्यूटी कैंसलेशन के बाद जो कटता है वो पैसा भी दो, स्टैंप ड्यूटी का भी पैसा दो। भाई मैं क्यों नुकसान सहूं, तेरा मुड़ गया मेरा थोड़ी मुड़ गया। और यही नहीं, यदि विक्रेता ने पैसा वापस करने के लिए इनकार किया तो खरीदेदार बिक्री समझौता और भुगतान प्रमाण के आधार पर, पैसा तो दिया है ना, उसका तो रिसीव है, उसका प्रूफ है, तो उसके आधार पर वसूली का मामला दायर कर सकता है, रिकवरी डाल सकता है। और इसके अलावा खरीदीदार अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए मामला दायर कर सकते हैं, भाई मुझे को पैसा वापिस नहीं चाहिए, मेरे को घर ही चाहिए, और ऐसे समय में वो न्यायालय के माध्यम से संपत्ति का पंजीकरण करता है, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, न्यायालय में पैसा डालते हैं, वो पैसा मैंने डाल दिया वहां से ले लें। यानी एक बार होता है कि घर विक्रेता खरीद अनुबंध से अगर मुकर जाता है तो उस पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध के उल्लंघन का मुकदमा चला जा सकता है, वो मुकदमा चलाया जा सकता है, एक न्यायाधीश उसको और विलेख पर हस्ताक्षर करने के लिए और बिक्री पूरी करने के लिए आदेश दे सकता है, और खरीदेदार हर्जाने के लिए मुकदमा तो कर सकता है, पर आमतौर पे संपत्ति के लिए वो मुकदमा करते हैं, वो संपत्ति के प्यार में पड़ा रहते हैं, वो अपने बीवी को दिखाया रहता है भाई ऐसे ऐसे घर में हम जा रहे हैं, कितना अच्छा घर है, फलाना फलाना पैसा दिया है 20 लाख, बाकी का 80 देना है, और बीच में उसने ना बोला तो मूड ही चला जाता है, तो औरत बोलती वही चाहिए घर मेरे को, वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे समय में आज हम लोग ने इस वीडियो के जरिए क्या देखा कि अगर कोई विक्रेता बिक्री रद्द कर सकता है तो कब रद्द कर सकता है, और अगर बिना कारण अगर वो रद्द करता है तो उसका परिणाम क्या होता है। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव लेके आऊंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।